What's up everyone? Welcome back to the channel. Money हम लोगों ने complete कर लिया था. आज हम शुरू करने जा रहे हैं banking के साथ. Banking में आपको mainly दो topics पढ़ने हैं. Central bank उसके functions and the credit creation या money creation. तो शुरू करते हैं जल्दी से इस interesting chapter को और आज सीखते हैं central bank क्या है, उसके क्या क्या functions होते हैं, कैसे वो काम करता है, ये सब चीज़ें हम आज सीखने वाले हैं. चलिए let's begin. शुरुआत करते हैं यार, देखो बैंकिंग स्ट्रक्चर के साथ या बैंकिंग सिस्टम के साथ. देखो किताबें हैं ठीक है, सिलेबस है ठीक है, बट एक जनरल नॉलेज भी तो इम्पॉर्टेंट है. तो सबसे पहले ये समझो कि बैंकिंग सिस्टम जो है वो एक तरीके से दो पर्टिकुलर ब्रांचेस में डिवाइडेड है. एक ब्रांच तो यहाँ है जिसमें हम पब्लिक लोग बैंक से डील कर रहे हैं, और एक ब्रांच वो है जहाँ पे ये सभी बैंक्स जो हमारे बैंक्स हैं वो अपने बड़े बैंक से डील कर रहे हैं. इसका मतलब ये है कि हम लोग पब्लिक अपने जिन बैंक्स में पैसा जमा करते हैं, जिन बैंक से लोन लेते हैं, PNB, SBI, HDFC, जितने भी बैंक्स हैं, ये सभी होते हैं कमर्शियल बैंक्स, राइट? अब कमर्शियल बैंक्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर, यानी कि कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जैसे HDFC, ICICI, और कुछ पब्लिक सेक्टर्स बैंक है, PNB, SBI, आप अपने आसपास और बहुत सारे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बहुत सारे बैंक्स देखते हो, है ना? अब ये तो हो गया एक चेन. दूसरी चेन क्या है? इन सभी बैंक्स का बैंक, यानी अगर PNB को अपना पैसा जमा कराना हो वो कहाँ करेगा, HDFC को लोन लेना हो वो कौन से बैंक से लोन लेगा. तो बेसिकली इन सभी बैंक्स का भी एक बैंक है, इनका भी एक पापा है, उनको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रल बैंक. तो सर दो पर्टिकुलर सिस्टम है, पब्लिक से कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक से सेंट्रल बैंक, समझे? सेंट्रल बैंक से हम लोग डायरेक्टली डील नहीं कर सकते, परफेक्ट है ना? तो देखो क्या लिखा है, सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी. एपेक्स का मतलब होता है सबसे सुप्रीम बॉडी, विच कंट्रोल, जो कंट्रोल करेगा, रूल्स रेगुलेशन बनाएगा, ऑपरेट्स, ऑपरेशंस पे ध्यान देगा, रेगुलेट्स, रेगुलेशंस मैंने आपको बताया, एंड डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब गाइडेंस देना, इंस्ट्रक्शंस देना, द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनिटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री. तो किसी भी कंट्री के लिए जितना भी बैंकिंग और मॉनिटरी स्ट्रक्चर है उसको देखने वाला उसका बॉस कौन होता है, हमेशा सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है? ऑल द फाइनेंशियली डेवलप्ड कंट्रीज हैव देयर ओन सेंट्रल बैंक. हर फाइनेंशियली डेवलप्ड नेशन का अपना सेंट्रल बैंक होता है. हमारा सेंट्रल बैंक, इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको मैं हमेशा बोलूंगा RBI 1935, एंड आई वॉन्ट आप भी RBI 1935 बोलो, क्योंकि इस्टेब्लिश 1935 में हुआ था. क्या लिखा है? इंडिया सेंट्रल बैंक इज RBI. RBI वॉज स्टैब्लिश ऑन 1 अप्रैल 1935 अंडर द RBI एक्ट पास इन 1934. एक्ट पास हुआ 34 में, बैंक स्टैब्लिश हो गया 35 में. इन इंडिया इट इज द RBI, UK बैंक ऑफ इंग्लैंड, USA फेडरल रिजर्व सिस्टम. तो बेसिकली सब जगह अलग अलग होता है ना, हर देश का अपना एक RBI होता है, मतलब इंडिया का RBI है, सबका अपना सेंट्रल बैंक होता है. अब सर RBI इंडिया में कहाँ पे है? देखो RBI तो एक है, लेकिन इसके ऑफिसेज मल्टीपल सिटीज में, मल्टीपल स्टेट्स में हो सकते हैं. तो हमारे देश में भी RBI के जितने भी ऑफिसेज हैं वो अलग अलग जगह स्टैब्लिश हैं. ऑलराइट, चलिए अब आता है सर सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं जो सेंट्रल बैंक निभाता है. तो सबसे पहला फंक्शन, इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लो, फिर हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे. सबसे पहला जो फंक्शन आता है वो आता है करेंसी अथॉरिटी. करेंसी अथॉरिटी का मतलब कि हमारे देश में जितना भी पैसा चलता है, इशू करने का राइट किसको है, इशू करने के पावर किसको है, तो हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक इज द बैंक जिसके पास सोल अथॉरिटी है, सोल का मतलब सिंगल अथॉरिटी है, कि देश में जितनी भी करेंसी चलती है कौन इशू करेगा, सेंट्रल बैंक इशू करेगा. सेंट्रल बैंक सारे नोट्स इशू करेगा सिर्फ 1 रुपए का नोट छोड़ के और कॉइन्स छोड़ के. इसका मतलब इनके पास दो चीज़ें बनाने की पावर नहीं है, वो है 1 रुपए का नोट और सभी कॉइन्स. सर ये कौन बनाता है? ये बनाती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अपने हाथ में भी कुछ चीज़ें रखी हैं, ठीक है? जैसे 1 रुपए का नोट वो बनाएंगे और सारे सिक्के वो बनाएंगे. मिनिस्ट्री किसकी है? गवर्नमेंट की, तो यानी वो गवर्नमेंट के हाथ में है. RBI एक सेपरेट बॉडी है, तो RBI के लिए सारी नोट्स हैं, ठीक है? तो क्या लिखा है देखो, द सेंट्रल बैंक हैज अ सोल अथॉरिटी फॉर इशू ऑफ करेंसी. इन इंडिया RBI हैज अ सोल राइट ऑफ इशूइंग पेपर करेंसी नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स विच आर इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. अब इससे होता क्या है,
आरबीआई को ही क्यों दी गई है सोल राइट, या आरबीआई क्यों ही सोल पावर है, आरबीआई क्यों ही अकेला करेगा। नंबर वन, इससे यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है, यानी करेंसी एक जैसी दिखती है, एक जैसी क्वालिटी की होती है। अदरवाइज अगर अलग अलग बॉडीज बनाएंगे, अब हमारे यहाँ वैसे ही बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी और लोग इसको लेके हल्का सा नोट फट जाए, लोग बोलेंगे नहीं नहीं नकली है, नहीं चलेगा, ये है वो है, वो बहुत चलता है। तो यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, इसीलिए आरबीआई को ही पावर दी है। सेंट्रल बैंक को ये भी पावर रहती है इससे कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, यानी मनी सप्लाई को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकता है। अगर देश में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन चल रहा है, महंगाई चल रही है, इसका मतलब लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं तभी महंगाई हो रही है, इसका मतलब लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, तो आरबीआई वहाँ पे पैसा रोक सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है मनी सप्लाई को, ताकि इन्फ्लेशन ठीक हो जाए। इसके बाद गवर्नमेंट को भी पावर मिलती है कि वो सुपरवाइज कर सके, कंट्रोल कर पाए कि कितना पैसा जा रहा है, कैसे जा रहा है ना, कैलकुलेशंस करनी इजी होती है, हिसाब किताब रखना आसान रहता है। इट इंश्योर्स पब्लिक फेथ, लोगों का भरोसा बना रहता है करेंसी सिस्टम के अंदर, और स्टेबलाइज्ड रहती है इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी। करेंसी की वैल्यूज़ काफ़ी स्टेबलाइज्ड रहती है। इंटरनल एक्सटर्नल की हम बातें अभी करने वाले हैं फर्दर चैप्टर्स में, फॉरेन एक्सचेंज में भी करेंगे। तो अभी ये पकड़ के चलना कि हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो काफ़ी हद तक स्टेबलाइज रहती है। सही है, परफेक्ट है जी। अब आता है हमारे पास अगला, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। सर, बैंकर टू द गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है? बैंकर टू द गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जिस तरीके से हमें डील करना है कमर्शियल बैंक के साथ, सरकार को भी तो डील करना है। तो सरकार का बैंक कौन है, गवर्नमेंट का बैंकर कौन है? तो गवर्नमेंट का बैंकर होता है आरबीआई। आरबीआई का दूसरा फंक्शन यही है कि आरबीआई इज द बैंकर टू द गवर्नमेंट। जिस तरीके से हमारा बैंकर कमर्शियल बैंक है, उसी तरीके से गवर्नमेंट का बैंकर कौन है, आरबीआई है। तो क्या लिखा है, द आरबीआई एक्ट्स एज अ बैंकर, एज एन एजेंट, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, इट मेंटेन्स अ करंट अकाउंट फॉर इट्स कैश बैलेंसेस। जैसे हमारा करंट अकाउंट कमर्शियल बैंक में होता है, वैसे सरकार का करंट अकाउंट कहाँ पे होता है, सेंट्रल बैंक के पास। परफेक्ट। इट एक्सेप्ट्स रिसिप्ट्स, सरकार की रिसिप्ट एक्सेप्ट करना, पेमेंट करना, ये सारे काम करना, लोन्स लेना देना, फाइनेंशियल एडवाइजेस देना, गवर्नमेंट के लिए एज अ एजेंट काम करना। तो देखो ये क्या क्या करता है, गवर्नमेंट के लिए ये एज अ बैंकर काम करता है, सबसे पहले तो एज अ बैंकर है ना, उसके बाद एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, यानी गवर्नमेंट को अपने फाइनेंसिस से रिलेटेड कोई एडवाइस चाहिए तो वो, उसके बाद तीसरा एज एन एजेंट। एज एन एजेंट का मतलब सरकार के बिहाफ पे पेमेंट्स करना, सरकार की मल्टीपल डीलिंग्स करवाना, क्योंकि देखो हर जगह पैसा इन्वॉल्व होता है, तो बैंक तो चाहिए ना, तो गवर्नमेंट के लिए वो बैंक कौन सा बैंक है, सेंट्रल बैंक है। ओके, उसके बाद सभी बैंकों का बैंक, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, सारे जितने भी बैंक्स हैं उन सभी बैंक्स का बैंक भी कौन है, सेंट्रल बैंक है। उनका सुपरवाइजर भी यही है, चेक करना कि वो काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। There should be some agency to regulate and supervise the proper functioning of the banks. Being the apex bank, central bank acts as a banker, as well as it bears the same relationship with the commercial bank maintained with the public. Yani, वो रिश्ता जो हमारा commercial bank के साथ है, वही commercial bank का central bank के साथ भी है। यहाँ पे ये pointer आता है। Perfect. अब आता है as a banker to the bank. अब देखो बैंकों का अगर ये bank है, तो ये तीन कैपेसिटी में काम करता है। नंबर वन, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। कस्टोडियन का मतलब किसकी कस्टडी में होना, अपने पास रखना। क्या रखता है ये अपने पास, सारे कैश रिजर्व्स, जितने भी कैश रिजर्व्स हैं, यानी जितने भी डिपॉजिट्स हैं, जितना भी पैसा जमा होगा, किसका पैसा, कमर्शियल बैंक का पैसा, वो कहाँ जमा होगा, सेंट्रल बैंक के पास जमा होगा। तो देखो क्या लिखा है, कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप अ सर्टेन प्रपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स विद द सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक्स को अपना कुछ हिस्सा सेंट्रल बैंक के पास जमा करना होता है। हम इसको भी पढ़ेंगे डिटेल में, कैसे जमा करना होता है, क्यों जमा करना होता है। इन दिस वे सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व का मतलब यही है कि कमर्शियल बैंक्स के जितने भी कैश रिजर्व्स हैं, उनको जो भी सेविंग्स करनी है या जो भी पैसा जोड़ के रखना है, वो कहाँ पर रख सकते हैं, सेंट्रल बैंक के पास रख सकते हैं। दूसरा, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सावधान इंडिया लिख लेना इसको। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का क्या मतलब होता है सर, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब ये होता है बच्चों कि जब कमर्शियल बैंक्स को पैसों की ज़रूरत है और उनको पैसा कहीं से भी नहीं मिल रहा, किसी भी सोर्स से नहीं मिल रहा, तो उनको लास्ट में आके कौन हेल्प करता है, सेंट्रल बैंक ही हेल्प करता है।
तो उनका सबसे लास्ट में लेंडर कौन होता है, उनको लोन कौन देता है? बेसिकली सेंट्रल बैंक ही देता है. तो क्या लिखा है, व्हेन कमर्शियल बैंक्स फेल्स टू मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, जब कमर्शियल बैंक अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते, दे अप्रोच सेंट्रल बैंक टू गिव लोन्स एंड एडवांसेस टू देम एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. सेंट्रल बैंक असिस्ट दीज बैंक्स थ्रू डिस्काउंटिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ताकि वो बैंक इनकी कैसे मदद करता है, जैसे उनको सिक्योरिटी डिस्काउंट कर दी, यानी BR डिस्काउंट करके दे दिया, है ना. इस तरीके से वो उनको अलग अलग तरीके से लोन प्रोवाइड कर देता है एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. नेक्स्ट क्या आता है, क्लियरिंग हाउस. क्लियरिंग हाउस का मतलब पेमेंट्स क्लियर करवाना, एक बैंक की दूसरे बैंक के साथ पेमेंट्स क्लियर करवाना. जैसे देखो सेंट्रल बैंक के पास सबके खाते तो है ही ना. अब सपोज PNB को HDFC को कोई पैसा देना है तो कौन क्लियर करवा देगा, सेंट्रल बैंक फटाफट क्लियर करवा देगा. कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कौन क्लियर करवा देगा, सेंट्रल बैंक फटाफट क्लियर करवा देगा. तो क्लियरिंग हाउस दादाजी है ना, ये मदद कर देंगे, ये सबके पापा हैं, ये मदद कर देंगे बेसिकली हर चीज़ करने में, क्लियर करने में. एज सेंट्रल बैंक होल्ड द रिजर्व ऑफ ऑल द बैंक्स, इट बिकम्स ईजियर एंड मोर कन्वीनियंट फॉर इट टू एक्ट एज देयर क्लियरिंग हाउस. ऑल कमर्शियल बैंक्स के खाते होते हैं कहाँ पे, सेंट्रल बैंक के पास. देयरफॉर सेंट्रल बैंक कैन ईजिली सेटल डाउन द क्लेम्स, सेंट्रल बैंक आसानी से सारे क्लेम सेटल करवा सकता है. ठीक है जी, परफेक्ट हो गया. नेक्स्ट आता है अब हमारे पास कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा. यही हम रिजर्व्स की बात कर रहे थे ना, वो यहीं पे आएगा. देखो लिखा हुआ है, सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को भी कंट्रोल कर सकता है. कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई का मतलब यही है कि सेंट्रल बैंक क्या करता है, देश में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है. सर देश में मनी सप्लाई क्यों कंट्रोल करना पड़ता है, देखो एक बात समझो, अगर देश में कभी भी इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो वो महंगाई कई बार मनी सप्लाई की वजह से होती है. हाँ देर आर वेरियस अदर फैक्टर्स एज वेल, बट मेजर कई बार महंगाई सिर्फ मनी सप्लाई की वजह से होती है. सपोज आपकी इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज़्यादा है, यानी आपके पास खूब पैसा है, यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ मनी इकोनॉमी में. इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो लोग डिमांड बहुत करेंगे, डिमांड जब ज़्यादा बढ़ रही होती है तो अपने आप चीज़ें महंगी होती चली जाती हैं. तो अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई अच्छे लेवल की है तो उस टाइम पे इन्फ्लेशन को ठीक करने के लिए मनी सप्लाई कंट्रोल करनी पड़ती है. मनी सप्लाई कंट्रोल करने का मतलब पैसा इकोनॉमी में जाने से रोकना है. तो उसको कैसे रोकता है सेंट्रल बैंक, अपनी पॉलिसीज़ की मदद से, और उन पॉलिसीज़ को बोलता है ये मॉनेटरी पॉलिसी. तो देखो क्या लिखा है, द RBI इज एम्पावर्ड टू रेगुलेट मनी सप्लाई थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी. ये पॉलिसी है सेंट्रल बैंक की, ताकि वो क्रेडिट कंट्रोल कर पाए या मनी सप्लाई रोक पाए. ठीक है, अब रोकने के लिए सबसे पहले जो बैंक के पास एक हथियार है वो है बैंक रेट या रेपो रेट. सबसे पहले जो चीज़ है बैंक के पास वो है बैंक रेट या फिर रेपो रेट. सर ये होता क्या है, देखो ये बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय सेंट्रल बैंक फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक्स. देखो अगर आप कॉमर्शियल बैंक से लोन लेने के लिए जाते हो तो वो आपसे ब्याज लेते हैं ना. सिमिलरली सेंट्रल बैंक से अगर कोई लोन लेने के लिए जाता है बैंक, तो वो उससे भी ब्याज लेते हैं. उस ब्याज को बोला जाता है बैंक रेट या रेपो रेट. सर ये दो अलग अलग क्यों है, क्योंकि बैंक रेट अगर वो लॉन्ग टर्म लोन है तब बोला जाएगा, रेपो रेट अगर वो शॉर्ट टर्म लोन है तब बोला जाएगा. ये दोनों में फर्क होता है, दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म, दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म. बैंक रेट इज फॉर लॉन्ग टर्म, रेपो रेट इज फॉर शॉर्ट टर्म. ठीक है बच्चे, अब हो क्या रहा है, देखो समझो हो क्या रहा है. फॉर एग्जाम्पल मैं PNB हूँ, आप सेंट्रल बैंक हो, राइट. मुझे जितना पैसा मिलेगा मैं पब्लिक में बांटूंगा, राइट. और आप ये चाहते हो, आप RBI हो, आप ये चाहते हो कि पैसा पब्लिक में ना जाए. मैं आपके पास आया, मैंने कहा लोन दे दो ना RBI जी, RBI जी प्लीज लोन दो ना यार, प्लीज यार मुझे लोन चाहिए यार. आप बोलोगे मिल जाएगा, सीधा मना नहीं करोगे, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो गया. आपने बोला पहले जो हम देते थे वो 10% पे देते थे, अभी 10% पे नहीं देंगे, अभी हम 25% पे देंगे. मैं बोलूंगा अरे भाई बहुत महंगा लोन है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक था, 25% कहां से दूंगा मैं. तो मैं शायद कम लूं या ना लूं, मैं नहीं लूंगा तो मैं आगे पब्लिक को नहीं बांट पाऊंगा. मेरे पास पैसा होगा तो ही तो पब्लिक को बांटूंगा ना. मैं लोन लेने गया था, मुझे नहीं मिला क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो मैं इतना महंगा तो नहीं लूंगा, फिर मैं कमाऊंगा क्या. तो मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए RBI क्या करता है, बैंक रेट भी बढ़ा देता है और रेपो रेट भी बढ़ा देता है, दोनों को तेज कर देगा.
शॉर्ट टर्म लोन लेना है, लॉन्ग टर्म लोन लेना है, दोनों में खूब दबा के इंटरेस्ट लगेगा। जब महंगा मिलेगा तो मैं लूंगा नहीं, मैं नहीं लूंगा तो पब्लिक को नहीं बांट पाऊंगा, समझे? तो देखो क्या लिखा है हमारे पास। रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स, और यहाँ पे सेम टू सेम आ जाएगा फॉर लॉन्ग टर्म नीड्स। इंक्रीज इन द रेपो रेट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स। अगर रेपो रेट बढ़ा देते हैं तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स बढ़ जाती हैं, बैंक रेट बढ़ा दोगे तो भी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स बढ़ जाएगी। एज अ रिजल्ट इट डिस्करेज द बोरोवर्स, बोरोवर्स लोन नहीं लेते हैं, मनी सप्लाई कंपेरेटिवली कम हो जाता है, समझे? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं, रेपो रेट बैंक रेट, डन। अब आ जाओ रिवर्स रेपो रेट। सर रिवर्स रेपो रेट क्या है, अब ये समझाओ। रिवर्स रेपो रेट इंटरेस्ट प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल बैंक ऑन डिपॉजिट। इसका मतलब अगर आप सेंट्रल बैंक के पास पैसा जमा करोगे तो आपको कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सेंट्रल बैंक हो, मैं कमर्शियल बैंक हूँ, है ना? आप ये चाहते हो कि मैं पब्लिक में पैसा ना दूँ, यही तो चाहते हो, मनी सप्लाई कम करने का मतलब तो यही होता है कि पब्लिक में पैसा ना पहुँचे। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे मुझे कमर्शियल बैंक को कि यार हमारे पास पैसा जमा कर दो, अगर आप हमारे पास पैसा जमा करोगे तो हम आपको खूब ब्याज देंगे। अगर मैं अपना सारा पैसा आपके पास जमा कर दूंगा तो मैं पब्लिक को लोन की फॉर्म में नहीं बांट पाऊंगा। अल्टीमेटली पब्लिक में पैसा कम पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, है ना? तो आरबीआई मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ा देता है। देखो ये भी बढ़ा था, ये भी बढ़ा था, ये भी बढ़ा था। आरबीआई बोलता है कि हम आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देंगे डिपॉजिट्स पे, आप पैसा जमा करो एक बार। भाई डिपॉजिट पे इंटरेस्ट तो एक साल बाद देना है ना उन्होंने, आज तो मनी सप्लाई कंट्रोल हो गया या नहीं हो गया, देखो हो गया ना। तो मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ाया जाता है। दिस इज एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ रेपो रेट, है ना? इसको आप एक बार रीडिंग लगाना। व्हेन कमर्शियल बैंक्स हैव सरप्लस फंड्स तो वो जमा करते हैं सेंट्रल बैंक के पास एंड अर्न इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट वो पे करता है उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। परफेक्ट, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा बैंक अपना पैसा जमा करेंगे इनके पास, अल्टीमेटली मनी सप्लाई पब्लिक में कम हो जाएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस? ओपन मार्केट ऑपरेशंस बोलते हैं बच्चों बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज, जैसे कोई बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट शेयर्स हो गए, तो लोग इन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि एक तो ये सिक्योरिटीज कम मिलती हैं, दूसरा रिस्क फ्री होती हैं, इस पर टेंशन नहीं है, तीसरा ये बढ़ती बढ़ती हैं, यूजुअली इन पर पैसा बढ़ता ही है, तो लोग इन सिक्योरिटीज को खरीदना पसंद करते हैं। लोग बोलते हैं कि इन सिक्योरिटीज में हमें जितना ज़्यादा हम इन्वेस्ट करेंगे उतना अच्छा है। परफेक्ट है, तो ये चीज़ पकड़ के चलना। 10 मिनट बाद ठीक है जी, परफेक्ट हो गया। आई एम सो सॉरी, समवन केम इन, मैंने उनको यही बोला भाई 10 मिनट बाद आना। तो क्या है चीज़, देखो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आपको क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सर सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी में होगा क्या, समझो। फॉर एग्जाम्पल मैं आरबीआई हूँ, मैं सेंट्रल बैंक हूँ, आपके पास बहुत पैसा है, आप पब्लिक हो, मैं ये चाहता हूँ कि आपसे मैं ये पैसा खींच लूँ, क्योंकि मनी सप्लाई कंट्रोल करना है ना, तो मैं आपको बोलूँगा भाई देखो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है मेरे पास, दिस इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आप लोग प्लीज़ इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करो, आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको खूब रिटर्न मिलेगा, आपका पैसा बढ़ेगा, घर में क्यों पैसा रखा हुआ है, इसमें इन्वेस्ट करो, आपको अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा, आपकी पैसा भी बढ़ेगा, बढ़ा के देंगे आपको पैसा। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि आप किसी तरीके से इसमें इन्वेस्ट कर दो, आपने कर भी दिया, तो अल्टीमेटली मैं सिक्योरिटी सेल कर रहा हूँ, उस टाइम बेच रहा हूँ ना। जब मैं आपको सिक्योरिटी बेचूंगा, आपका सारा पैसा मैंने खींच लिया या नहीं खींच लिया, इसी को हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इट रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम या टू द पब्लिक। सेल ऑफ सिक्योरिटीज रिड्यूसेस द रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। जब सिक्योरिटी बेचेंगे तो कमर्शियल बैंक के रिजर्व्स कम होंगे, उससे क्या होगा, मनी सप्लाई बेसिकली कम होता चला जाएगा, डन। नेक्स्ट आता है बच्चों लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास दो आते हैं, CRR और SLR। आ जाओ अब आपको ये समझाता हूँ। रिवर्स रेपो रेट पढ़ लिया,
ओपन मार्केट ऑपरेशंस पढ़ लिया, सिक्योरिटी सेल करेंगे, सिक्योरिटी सेल करेंगे तो पैसा आरबीआई के पास आ जाएगा, जनता के पास सिक्योरिटी, उससे डिमांड तो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास एलआरआर, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। देखो लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि अगर कॉमर्शियल बैंक के पास आपने 100 रुपये जमा करे तो ये 100 के 100 लोन की फॉर्म में नहीं बांट सकता। कमर्शियल बैंक क्या करता है, यही तो लोन की फॉर्म में बांटता है, इससे पैसा कमाता है। तो यहाँ पे एक लीगल, एक लॉ है, एक कानून है कि बेसिकली अगर आपके पास 100 रुपये आए हैं तो आप 100 नहीं लोन की फॉर्म में दे सकते, आपको इसमें से कुछ रिजर्व यानी कि कुछ परसेंटेज सेंट्रल बैंक के पास जमा करना पड़ेगा। क्योंकि ये नियम क्यों बनाया गया, ताकि बैंक ज़्यादा लोन ना बांट दें और पब्लिक जब पैसा वापस लेने के लिए आए तो उसके पास पैसा ही ना हो, इसलिए नियम बनाया गया। कुछ तो आप सेंट्रल बैंक के पास जमा करो और कुछ रिजर्व अपने पास, सेल्फ अपने पास जमा करो। फॉर एग्जांपल 10% सेंट्रल बैंक के पास जमा करो, 10% अपने पास जमा करो, राइट। तो 100 में से 10 रुपये यहाँ जमा हो जाएंगे, 10 रुपये यहाँ जमा हो जाएंगे, लोन कितना जाएगा इकोनॉमी में, लोन कितना जाएगा इकोनॉमी में, 80 जाएगा या नहीं जाएगा। तो जो रिजर्व सेंट्रल बैंक के पास जमा करना होता है उसको हम CRR बोलते हैं, सी से कैश रिजर्व रेशो, सी से सेंट्रल बैंक। CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशो। अभी ऊपर आया था ना कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, देखो ये वही है कि रिजर्व सेंट्रल बैंक के पास जमा करना पड़ेगा, मैंने बोला था ना अभी पढ़ेंगे। जो अपने पास रखना है उसको बोलते हैं SLR। SLR होता है बच्चों स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। CRR कैश रिजर्व रेशो, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। पब्लिक में मनी सप्लाई कितना गया, ये मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई कितना गया 80 रुपये। RBI चाहता है ये कम जाए, क्या किया जाएगा, वीडियो पॉज करो कमेंट में लिखो। RBI चाहता है 80 ना पहुंचे, कम पहुंचे, क्या किया जाए। RBI इन दोनों को बढ़ा देगा, RBI बोलेगा आप 10-10% नहीं 25-25% रखना पड़ेगा, 25% हमारे पास रखो, 25% अपने पास रखो। तो 100 रुपये का 10 नहीं 25 का CRR बनेगा, 25 का SLR बनेगा। लोन अब 80 नहीं 50 जा सकता है। देखो मनी सप्लाई 30 रुपये से कम हो गई या नहीं हो गई, अब ये करोड़ों में चलता है हिसाब किताब, कम हो गया या नहीं हो गया। अगर 30 करोड़ इकोनॉमी में कम जाएगा तो डिमांड तो अपने आप ही कम होगी या नहीं होगी। तो इस तरीके से लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स की मदद से, जिसके दो पार्ट्स हैं, CRR जो रिजर्व RBI के पास रखना है और SLR जो अपने पास रखना है, इसको अगर RBI बढ़ा देता है तो मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाती है, समझे। नेक्स्ट आता है बच्चों, ये CRR SLR आ गया, इसको पढ़ लेंगे। द डिपॉजिट्स विच इज़ टू बी केप्ट विद सेंट्रल बैंक, उसको CRR बोलते हैं, बढ़ा देना है। जो अपने पास रखना है उसको SLR बोलते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है बेटा जो डिफरेंस बिटवीन लोन एंड सिक्योरिटी। यानी अगर मार्जिन ये होता है कि अगर आप ऐसा पब्लिक लोन लेने के लिए जा रहे हो 100 रुपये का, तो बैंक आपको बोलेगा 120 रुपये की सिक्योरिटी लेके आओ। सर ज़्यादा की क्यों मांगते हैं भाई, अगर सिक्योरिटी की वैल्यू कम हो गई फिर तो बैंक को तो कवर करके चलना है ना रिस्क। सपोज 100 का लोन देना है और 100 की सिक्योरिटी मांग ली, वो सिक्योरिटी हो गई 80 की, तुमने पैसे नहीं दिए, बेचने जाएंगे तो 80 मिलेंगे, नुकसान हो गया बैंक को। तो बैंक हमेशा ज़्यादा की सिक्योरिटी मांगता है, जो डिफरेंस आता है ना इसको मार्जिन बोलते हैं। सपोज 100 की सिक्योरिटी है और 80 का लोन मिलेगा तो 20 का मार्जिन हो गया या नहीं हो गया। 100 की सिक्योरिटी है 70 का लोन मिलेगा, 30 का मार्जिन हो गया। मार्जिन का मतलब यही होता है कि लोन कितना और सिक्योरिटी कितना, दोनों के बीच का डिफरेंस, इसको हम मार्जिन बोलते हैं, परफेक्ट है। अब देखो मार्जिन में क्या होगा, अगर मुझे लोन नहीं देना, मैं ये चाहता हूँ कि लोन ना दिया जाए, उस सिनारियो में हम मार्जिन को बढ़ा देंगे। सर मार्जिन को बढ़ाने का क्या मतलब है, मार्जिन को बढ़ाने का मतलब है मैं बोलूँगा पहले अगर 100 का लोन चाहिए था तो 120 की सिक्योरिटी, अभी अगर 100 का लोन चाहिए तो 150 की सिक्योरिटी लेके आओ भाई। अब इंसान 120 की सिक्योरिटी बड़ी मुश्किल से अरेंज करता है, 150 की सिक्योरिटी कैसे लेके आएगा वो, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल होगा तो लोग लोन कम लेंगे, लोन कम लेंगे तो अपने आप मनी सप्लाई कंट्रोल होगा या नहीं होगा। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए मार्जिन बढ़ा दिया जाता है, यानी सिक्योरिटी ज़्यादा मांगी जाती है। ज़्यादा मांगने का मतलब लोन कम, लोन कम तो मनी सप्लाई कंट्रोल, राइट। देखो क्या लिखा है, मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, इंक्रीज इन मार्जिन रिड्यूसेस द बोरिंग कैपेसिटी एंड द मनी सप्लाई, ठीक हो गया। लास्ट हमारे पास आता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का मतलब होता है बच्चों कि देश का जितना भी फॉरेन एक्सचेंज होता है, यानी अगर US से कोई इंसान इंडिया घूमने आ रहा है तो हमारे पास डॉलर आएगा, US वाला कोई इंडिया से सामान खरीद रहा है हमारे पास डॉलर आएगा,
कोई भी फॉरेन एक्सचेंज है, वो सारा फॉरेन एक्सचेंज आरबीआई के पास ही होता है। किसकी कस्टडी में होता है? आरबीआई की कस्टडी में। तो आरबीआई का एक ये भी फंक्शन है कि जितना भी फॉरेन एक्सचेंज है वो आरबीआई के पास रखा रहता है। क्या लिखा है? सेंट्रल बैंक ऑल्सो एक्ट्स एज अ कस्टोडियन ऑफ कंट्री स्टॉक ऑफ गोल्ड एज वेल एज रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इट इनेबल्स द गवर्नमेंट टू एक्साइज कंट्रोल। इससे गवर्नमेंट अच्छे से कंट्रोल कर पाता है और उसके साथ साथ सारी ट्रांजेक्शन्स आरबीआई से ही होके गुजरती हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो करेंसी है उसको कंट्रोल करने में हमें हेल्प मिलती है कि हमारा जो रुपया है बहुत ज़्यादा नीचे ना जाए, क्योंकि आरबीआई ट्रैक करके रखेगा, गवर्नमेंट ट्रैक करके रखेगा कितना हमारे पास रिजर्व है। जितना ज़्यादा हमारे पास बाहर का रिजर्व होगा ना, उतना हम स्ट्रांग रहेंगे। ये मैं आपको फॉरेन एक्सचेंज में पढ़ाऊंगा, पूरा चैप्टर है, बट फिलहाल इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जितना भी रिजर्व है सारा किसके पास रहता है? आरबीआई के पास रहता है। ठीक है गाइज, ये थे हमारे पास मेनली फंक्शंस। ये किसके फंक्शंस थे हमारे पास? आरबीआई के, यानी सेंट्रल बैंक के। तो देखो सेंट्रल बैंक का मैंने आपको ये वाला चार्ट दिखाया था शुरू में ही, करेंसी अथॉरिटी, सारा करेंसी मैनेज करना, बैंकर टू द गवर्नमेंट सरकार का बैंक, बैंकर्स बैंक सभी बैंकों का बैंक, मनी सप्लाई कंट्रोल करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, LRR, ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें आने चाहिए। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, आई होप आप लोग को ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे सारे फंक्शंस। अगली क्लास में यानी कि कल ही हम लोग बैंकिंग को ख़त्म करेंगे। आपको मैं एक डिफरेंस बताऊंगा सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक का, ऑल्दो हमने शुरू में कर लिया, और एक हम पढ़ेंगे इसके अंदर मल्टीप्लायर, ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन या मनी मल्टीप्लायर, उसको अच्छे से पढ़ेंगे और चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप आपको आज वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाला टॉपिक है, अच्छे से कर लो। कल इसको ख़त्म करते हैं, फिर आगे चलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।